हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भूत प्रेतों के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुने होंगे। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर के प्रत्येक मोहल्ले में सुनने को मिलेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों से खाली पड़े घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क ये होता है कि उसके पास अव्य शरीर नहीं होता जो हड्डी और मांस से बना होता है। तो आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। तो आइए जानते हैं भूत प्रेतों के 10 रहस्यों के बारे में। पहला, आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर से निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। ये आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। मरने के बाद कौन बनता है भूत? जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और भावनाएं लेकर मरता है वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है वे भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष है जबकि सूक्ष्म और शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भूत प्रेतों के 10 रहस्यों के बारे में और कैसे लोगों को भूत पकड़ता है। पहला, बुरे कर्म करने वालों को लगता है भूत। धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म, शराब, मांस, संभोग आदि में ही सदा रहते हैं, ऐसे लोगों को आसानी से भूत अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। दूसरा, कमजोर को लगता है भूत। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं उन पर भूत प्रेत जल्दी कब्जा कर लेते हैं। तीसरा, जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी हैं वे आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। चौथा, ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रू ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भूत के होने का व्यक्ति को एहसास होता रहता है। जो राक्षस गढ़ के लोग होते हैं उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत हो जाता है। पांचवा,
प्रेत लगा है इसकी पहचान क्या है? भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। भूत पीड़ा। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वे पागल की तरह बात करने लगता है। मूढ़ होने पर भी वे किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार करता है। गुस्सा आने पर वे कई व्यक्ति को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बना रहता है। सातवां, पिशाच पीड़ा। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वे कमजोर हो जाता है। आठवां, प्रेत पीड़ा। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वे किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वे खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। नवा, शाकिनी पीड़ा। शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिलाओं को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उनकी आंखों में भी दर्द रहता है। वे अक्सर बेहोश भी हो जाती हैं। कांपते रहना और चिल्लाना उनकी आदत बन जाती है। ब्रह्म राक्षस पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसी ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण और लक्ष्य होते हैं। तो दोस्तों, ये थे भूत के 10 लक्षण। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।